Hello friends, this is Amneet and today I'll discuss with you the current affairs from The Hindu for 22nd August. And before proceeding, I request you to please subscribe to my channel Fateh.com, and if you like my videos, you can also follow me on my Facebook page, right? So let's begin with the current affairs for today. तो जैसे कि आपको पता है तमिल नाडु में मर्जर हो गया आयदमक परुत्ची थायलवी अम्मा और आयदमक अम्मा फैक्शंस के बीच में, ठीक है? तो OPS ने EPS के साथ मिलकर, इनका थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन का मुझे प्रॉब्लम रहता है, ठीक है? तो OPS मैं बोलती हूँ, वो अपनी स्वयं को और दूसरे जो हैं उनको EPS बोलूँगी, ठीक है? जो एदापदी के पलानी स्वामी हैं, ठीक है? तो ये बेसिकली जो EPS हैं उन्होंने एज अ CM जो है अपॉइंट होंगे वो, ठीक है, स्वॉन इन किया है. और जो OPS हैं उन्होंने फिलहाल, तो उन्होंने मतलब काफ़ी बार जो है 3 times उन्होंने एज अ CM काफ़ी शॉर्ट शॉर्ट टर्म्स के लिए जो है वो रहे हैं, ठीक है? तो अभी वो डिप्टी CM एक्ट करेंगे और उनके पास जो फाइनेंस, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट की पोर्टफोलियो होगा, ठीक है? तो ये आपको पता ही है, मेजॉरिटी जो है इसमें मोर देन 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस जो है वो चाहिए होती है, ठीक है? मतलब एब्सोल्यूट मेजॉरिटी जो होती है वो चाहिए होती है गवर्नमेंट बनाने के लिए. तो दिस थिंग यू शुड नो. और इसमें जो है द यूनिफाइड आदमक नाउ इन्जॉयज द सपोर्ट ऑफ 117 MLAs इंक्लूडिंग द स्पीकर इन द 233 मेंबर हाउस, ठीक है? तो काफी मेजोरिटी है इनके पास. तो नेक्स्ट इज 5 judge सुप्रीम कोर्ट बेंच हेडेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया JS खेर विल ऑन ट्यूजडे प्रोनाउंस जजमेंट ऑन द लीगलिटी ऑफ द इस्लामिक पर्सनल लॉ प्रैक्टिस ऑफ ट्रिपल तलाक. तो बेसिकली आपको पता है काफ़ी देर मतलब सालों से ये चीज़ जो है इट्स बीइंग लिंगर ऑन, ठीक है? तो ये कोई भी मसला इसका सॉर्ट आउट नहीं हो रहा है, ठीक है? तो इसमें बेसिकली जो मुस्लिम मैन होते हैं वो अपनी वुमेन को वो तलाक 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 कह के जो है वो तलाक दे देते हैं, ठीक है? इवन इतना तक मतलब अगर किसी लेडी ने अपने हस्बैंड को बोल दिया ना कि मजाक में भी कि आप सोए हुए थे तो आपने मतलब सपने में मुझे तलाक 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 बोल दिया तो वो तलाक हो गया, समझ लो, ठीक है? तो उसमें वुमेन की जो मतलब कुछ उनकी जो डिग्निटी है वो मेंटेन नहीं रहती है, ठीक है? तो उसके बाद फिर इससे ऊपर मतलब एडिड फ्यूल टू द फायर वो है इनका जो नकाए हलाला है, ठीक है? उसमें है कि मान लो कोई हस्बैंड अपनी वाइफ से तलाक के बाद दोबारा शादी करना चाहता है तो वो फिर जो वुमेन होगी वो पहले किसी और के साथ शादी करेगी फिर अपने हस्बैंड के साथ दोबारा शादी करेगी. मतलब दोनों ही केसेस में जो वुमेन है वो ही सफ़र कर रही है. एंड मोर ओवर कोई भी जो है उनके लिए मतलब कोई प्रॉपर्टी नहीं है, कोई पैसा नहीं है, उनकी कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई एलिमनी नहीं है, ठीक है? तो उस केस में वुमेन जो है उसको बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है, ठीक है? इवन जो आपने देखा हो इनका जब निकाह वगैरह होता है तो इसमें 10 paisa करके या 10 rupees 10,000 बस छोटा सा अमाउंट रखा जाता है, ठीक है? ताकि कल को अगर तलाक 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 करके जो है वो सेपरेशन हो जाए तो सिर्फ उतना ही अमाउंट जो है वो पे करना पड़े. तो वो 10 rupees क्या ही मायने रखते हैं, ठीक है? तो ये चीज़ जो है वो देखते हैं इसके ऊपर जो है वो क्या सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाती है, ठीक है? तो आपको पता है जो 2 mainly cases इसमें हैं, ठीक है, एक शाह बानो का और डेनियल लतीफ़ी का, ठीक है? तो जो शाह बानो का केस था उसमें बेसिकली जो गवर्नमेंट थी उसने यूनिफॉर्म सिविल कोड जो था वो फ्रेम किया था. और जो लतीफ़ी केस था उसमें मुस्लिम वुमेन जो थी उसको मतलब बोला गया था कि उसकी जब तक री मैरिज नहीं होती उसको एक तरह की मतलब मेंटेनेंस के लिए कुछ उसका राइट जो है वो बनता है, ठीक है? तो ये देखते हैं उसके फर्दर जो है इनका AIMPLB मतलब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ठीक है? तो इन्होंने काउंटर किया कि जो ट्रिपल तलाक है वो बेसिकली इनका अपना रीजनल है, जैसे रिलीजियस मैटर है, जैसे कि इन्होंने इक्वेट किया है अयोध्या को राम के बर्थ प्लेस से, ठीक है? तो इन्होंने बोला है कि इसमें गवर्नमेंट जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी इंटरवेंशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है? लेकिन हाउएवर जो ये चीज़ है, ये राइट टू लिव जो है हमारा, ठीक है, उसका वॉयलेशन जो है वो करती है ऑब्वियसली, ठीक है? तो इसके चलते देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट अपना क्या फैसला जो है वो सुनाती है. नेक्स्ट इज फ्रस्ट्रेटेड बाई विलेजर्स हु परसिस्टेंटली डिफिकेटेड इन द ओपन एंड रुइंड द चांसेस ऑफ मीटिंग द ODF टारगेट्स अंडर द स्वच्छ भारत अभियान. एस STO इन राजस्थान भिलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट इशूड एन ऑर्डर
टू स्नैप इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन टू ऑल दी हाउस होल्ड्स. ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा स्टेप उन्होंने लिया है. ठीक है, SDO ने कोई भी ओपनली डिफिकेट करेगा तो उनके घर की जो बिजली है, जब तक वो अगर 15 दिन के बीच बीच वो टॉयलेट नहीं बनाते हैं तो उनकी बिजली कट ऑफ कर दी जाएगी. ठीक है, देखो ये मतलब अगर आप इसको कोट करना चाहो तो आप कोट कर सकते हो. जैसे स्वच्छ भारत मिशन में बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल भी है, क्योंकि अगर आप देखो तो हमारी फंडामेंटल राइट्स हम एक्सपेक्ट करते हैं गवर्नमेंट से. ठीक है, कि हमारी ये राइट होनी चाहिए, हमारी वो राइट होनी चाहिए, हमारी राइट टू लिबर्टी, हमारी राइट टू लाइफ, हमारी ये राइट, हमारी वो राइट. ठीक है, तो कोई भी राइट जो है हमारी वॉयलेट नहीं होनी चाहिए. हमें कुछ भी हमारी राइट का वॉयलेशन होता है तो हम सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्टली PIL फाइल कर सकते हैं. ठीक है, तो इतनी सारी अथॉरिटीज़ हमने गवर्नमेंट ने दी है, तो बदले में गवर्नमेंट हमसे क्या एक्सपेक्ट करती है. ठीक है, तो उसी के चलते जो था फंडामेंटल ड्यूटीज़ लाई गई थी. ठीक है, बट ये रीज़न ये रहा इसका कि उन्होंने फंडामेंटल ड्यूटीज़ को एनफोर्सेबल नहीं किया. ठीक है, जैसे आपको पता है फंडामेंटल राइट्स जो हैं हमारी इन्फोर्सेबल हैं, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं वो हमारी इन्फोर्सेबल नहीं हैं. तो मुझे लगता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी इन्फोर्सेबल ही होनी चाहिए थी, तभी जो है हमारे लोग सुधरेंगे. ठीक है, तभी जो है हमारे क्योंकि ये जो चीज़ होती है ना, ये दिमाग में अगर मान लो आपने एक बार सिग्नल तोड़ा, आपको उसका हेफ्टी अमाउंट, मान लो एक सिग्नल का आपको कम से कम 20,000 रुपये पे करना पड़ा. ठीक है, तो आप नेक्स्ट टाइम तोड़ोगे नहीं वो सिग्नल. ठीक है, तो चाहे आपकी मतलब इन्फोर्सिबिलिटी से ही होगा, लेकिन एक डिसिप्लिन मेंटेन हो जाएगा. ठीक है, लोगों को पता होगा कि हमने ये हमारी ड्यूटी बनती है और ये हमें फॉलो करनी है, बिकॉज वी आर बाउंड टू डू दिस. जब तक ये नहीं होगा ना, वी आर बाउंड टू डू दिस, तब तक जो है वो कुछ नहीं होगा. लोग जो है जैसा है चलता है एटीट्यूड, जैसा कि इस बार जो प्रधानमंत्री जी ने बोला था कि आपको चलता है एटीट्यूड छोड़ना पड़ेगा. ठीक है, तो अगर जब तक आप चीज़ों को एनफोर्स नहीं करोगे ना, हमारे कंट्री में तो एटलीस्ट चीज़ों जो है वो चलता है पे ही चलेंगी, उसको आप जितना मर्जी जो है वो चेंज करने की कोशिश कर लो. तो ये इन्होंने बहुत ही अच्छा स्टेप लिया है, जिसमें लोगों को इन्होंने वार्निंग दी है कि अगर आप टॉयलेट्स नहीं कंस्ट्रक्ट करोगे तो आपकी बिजली जो है वो कटी जाएगी. ठीक है, तो काफ़ी लोग रिवोल्ट भी कर रहे हैं, बट ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो करेंगे ही. ठीक है, नेक्स्ट इज़ तो ये गोरखा जन मुक्ति मोर्चा जो है, इसने सेंटर्स बोला है कि सेंटर और वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को कि कोई डायलॉग इनिशिएट करें. बेसिकली इस पर जो है इन्होंने कोई भी डिमांड नहीं रखी है सेपरेट स्टेट की, क्योंकि अभी आपको पता है जो इनका गोरखा जनमुक्ति मोर्चा का लीडर है उसको भी इज एक्यूज्ड ऑफ बॉम्ब ब्लास्ट. ठीक है, तो माना जा रहा है कि उसने बॉम्ब ब्लास्ट कंडक्ट करने में उसकी जो है हाथ है. फिलहाल जो ये लोग हैं ये बोल रहे हैं कि हमारा मतलब किसी भी इंसर्जेंट ग्रुप से कोई भी लेन देन नहीं है, कोई भी मतलब नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया की कोई भी स्टेट जो है वो ऐसे ग्रुप में इन्वॉल्व नहीं है. ठीक है, तो ये जो है मतलब चाहते हैं कि अब जो है पीस गोरखा लैंड जो है इन्होंने इनकी कोई ऐसा इन्होंने इस बार कोई डिमांड नहीं किया. अदरवाइज़ अगर आप देखो पिछले तो जैसे भी कोई डायलॉग इनिशिएशन की बात होती थी तो ये लोग कहते थे कि हमें सेपरेशन स्टेट जो है वो प्रायोरिटी पे चाहिए. ठीक है, लेकिन इस बार इन्होंने कोई भी ऐसी मांग नहीं रखी है, तो हो सकता है कि वहाँ पे जो है वो कंडीशन स्टेबल हो जाए. ठीक है, नेक्स्ट इज़ तो जैसे कि हमने काफ़ी लास्ट मंथ से ही हम डिस्कस करते आ रहे हैं कि कर्नाटका में बहुत ज़्यादा सिचुएशन जो है वो वर्स्ट हो गई है. ठीक है, मानसून नहीं है तो वहाँ पे एग्रीकल्चरली बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है. तो उसके चलते गवर्नमेंट जो थी वो सोच रही थी कि हम आर्टिफिशियल रेन वहाँ पे क्लाउड सीडिंग जिसको बोलते हैं कंडक्ट करें. ठीक है, तो ये वहाँ पे प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किया गया कर्नाटक गवर्नमेंट की तरफ से, इसको बोलेंगे हम वर्षाधारी. तो ये आपको याद रखना है. ठीक है, इससे बेसिकली होता गया कि सबसे पहले जो क्लाउड्स को टारगेट करना होता है, ठीक है, उनको रडार की हेल्प से हम आइडेंटिफाई करते हैं. ठीक है, उसके बाद हम जैसे मतलब कुछ केमिकल्स होते हैं जैसे सिल्वर आयोडाइड हो गया, अमोनियम नाइट्रेट हो गया, कैल्शियम क्लोराइड हो गया, तो ये क्वेश्चन पेपर में आते हैं. ठीक है, इसके रिलेटेड के कौन कौन से केमिकल्स जो हैं वो हम आर्टिफिशियल रेन में यूज़ करते हैं. तो दीज आर सम ऑफ दी केमिकल्स. ठीक है, जैसे सिल्वर आयोडाइड है, अमोनियम नाइट्रेट है, कैल्शियम क्लोराइड है, दे आर रिलीज्ड ऑन टारगेटेड क्लाउड्स यूजिंग एन एरोप्लेन. ठीक है, तो उससे क्या होता है कि आइस क्रिस्टल्स बन जाते हैं और आइस क्रिस्टल से मतलब कि वो क्या उसे कहते हैं, जब वो स्ट्राइक करते हैं तो आइस क्रिस्टल से जो है हैवी मतलब हैवी बन जाता है ना वो क्लाउड, एक तरह का बन जाता है. तो उससे क्या होता है कि जब वो मेल्ट होना शुरू होता है तो वो मेल्ट होके रेन की फॉर्म में ज़मीन पे आता है. ठीक है, तो उससे मतलब आर्टिफिशियल रेनिंग होती है तो काफ़ी हद तक जो है वो रिलीफ मिलता है.
Next is the government, the Kerala government has highlighted the need for long-term planning and participatory action to save off this water crisis. Further, ये Kerala में भी जो है वो मॉनसून का वीक मॉनसून के कारण बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है वहाँ पे. साउथ वेस्ट मॉनसून का आपको पता है उस एरिया में जो है इम्पैक्ट नहीं ज़्यादा है, ठीक है. तो वहाँ पे भी कंडीशन ऐसी ही है. और इन्होंने बोला है कि जो इंडियन इंडिया मेटेरोलॉजी डिपार्टमेंट का अगर हम स्टैटिस्टिकल डाटा देखो तो उन्होंने बोला है कि जो मतलब जून 1 से लेके अगस्त 16 तक जो रेनफॉल डेफिसिट रहा है दैट इज़ 29.1%, और ये बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है. और उसके बाद एक वहाँ पे प्लेस है वायाना, तो उसका जो डेफिसिट है दैट इज़ अराउंड 59%, फॉलोड बाय दुक्की 36% एंड त्रिवेंद्रम विथ 35%, ठीक है. तो ऑब्वियसली आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है वाटर की वहाँ पे. तो मेजर हाइड्रो रिजर्वायर्स इन द स्टेट वर डाउन टू 35% ऑफ द स्टोरेज कैपेसिटी, 20-30% बिलो द नॉर्मल लेवल. एक्चुअली वहाँ पे भी जो है उधरली साइड पे भी वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स बहुत ज़्यादा यूज होती हैं, ठीक है. लोग जो है वो वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स ही उगाते हैं. तो लिस्टिंग द स्लू ऑफ प्रोजेक्ट्स लॉन्च बाय गवर्नमेंट टू टाइड ओवर द इंपेंडिंग वाटर क्राइसिस, ही सेड 3,931 पब्लिक वेल्स वर डग एंड मोर देन 15,000 रिवाइव्ड अंडर द हरिथा केरलम मिशन. तो ये भी आप याद रखना, ठीक है, जिसके अकॉर्डिंगली 3,931 अप्रॉक्सीमेटली इतने आप याद रखना कि पब्लिक वेल्स जो हैं वो मतलब खोदे गए हैं और मोर देन 15,000 वेल्स जो हैं उनको रिवाइव किया गया है हरिथा केरलम मिशन के अंडर, ठीक है. तो ये उड़ीसा गवर्नमेंट का जो है वो प्रपोजल है कि जो मेजर फॉरेस्ट हैं उनको कनेक्ट किया जाए इन एंड अराउंड जो भुवनेश्वर के अराउंड है, ठीक है, बस सर्विस से, ताकि जो इको टूरिज्म है उसको प्रमोट किया जाए, ठीक है. तो ये बेसिकली यहाँ पे बायोलॉजिकल पार्क्स जो है उनका डिस्कशन किया गया, ठीक है. तो आपको भी पता चल जाएगा कौन कौन सा पार्क कहाँ कहाँ पे है, जैसे नंदा कानन बायोलॉजिकल पार्क और चुदंका, और ये भरतपुर फॉरेस्ट ऑफ चंदक्का डिवीजन एज पार्ट ऑफ गवर्नमेंट्स लार्जर प्लान टू शोकेस भुवनेश्वर इको टूरिज्म एसेट्स, ठीक है. तो इको टूरिज्म को ऑब्वियसली प्रमोट करना चाहिए. जैसे आपको पता है कि यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी भी होगी, ठीक है, तो लोग अट्रैक्ट होंगे. टूरिज्म बेसिकली एक्सपोर्ट होता है, ठीक है. तो टूरिज्म अगर लोग अगर फॉरेन कंट्री से मान लो लोग आते हैं आपकी जगह पे, ठीक है, तो ऑब्वियसली वो फॉरेन रिजर्व्स ही लेके आएंगे, डॉलर्स की फॉर्म में देंगे ना आपको पैसे. तो आरबीआई उतने ही नोट प्रिंट करती है जितने की डॉलर्स होते हैं, ठीक है. तो ऑब्वियसली हमारे जो फॉरेन रिजर्व्स हैं उनमें इंक्रीज होता है. तो टूरिज्म जो है एक तरह का एक्सपोर्ट होता है, तो ये आप याद रखना, इसलिए मैंने थोड़ा सा आपको यहाँ पे कोट कोट कर दिया, ठीक है. तो टेकिंग अ क्यू फ्रॉम कर्नाटका विच हैज़ बीन कैशिंग इज इन ऑन द एक्सक्विजिट नेचुरल ब्यूटी ऑफ बिनरगट्टा बायोलॉजिकल पार्क. इनके थोड़े से नाम अजीब होते हैं, ठीक है, साउथ वाले. तो ये कर्नाटका में है जो कि स्प्रेड है ओवर 731.88 हेक्टर्स, अबाउट 22 किलोमीटर फॉर बेंगलुरु सिटी. द स्टेट गवर्नमेंट इज कंटेम्पलेटिंग क्रिएशन ऑफ टू मोर सफारीज इन चुदंगा रिजर्व फॉरेस्ट एंड भरतपुर रिजर्व फॉरेस्ट. वाइल्ड नंदनकानन एंड भरतपुर आर ऑलमोस्ट विद इन द भुवनेश्वर, चुदंगा इज जस्ट 2 किलोमीटर फ्रॉम द सिटी लिमिट्स. अपार्ट फ्रॉम द रिच कैप्टिव जू पॉपुलेशन, द नंदनकानन बायोलॉजिकल पार्क बोस्ट ऑफ अ बोटेनिकल गार्डन स्प्रेड ओवर. ये कुछ भी आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना याद रखना कि कौन कौन से पार्क है, कहाँ कहाँ पे है, ठीक है. नेक्स्ट इज ये डाटा आया है जो अभी हमने डिज़ास्टर का हम रोज़ डिस्कशन करते रहते हैं, ठीक है. यहाँ पे फ्लड्स आ गए, यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया, ट्रेन एक्सीडेंट हो गया. तो ये जो अभी आपको पता है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में फ्लड्स वगैरह आए हैं, तो साथ में बिहार और यूपी में भी काफ़ी जो है वो सिचुएशन वर्स्ट हुई है. तो उसके चलते जो है वो डाटा रिवील किया जो ममता बनर्जी हैं, उन्होंने बताया कि जो डेथ टोल है वेस्ट बंगाल में तो इट राइजेस टू 152, ठीक है. तो 1.5 करोड़ पीपल जो हैं दैट हैव बीन इफेक्टेड इन दिस स्टेट, और जो प्रॉपर्टी डैमेज हुआ है दैट इज़ अराउंड 14,000 करोड़ सो फार, ठीक है. तो आप देख सकते हो कितना ज़्यादा डैमेज हुआ है. तो जैसे डिज़ास्टर मैनेजमेंट का कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें आप ये वाला डाटा भी कोट कर सकते हो. जैसे आप इसमें देख सकते हो जो कैजुअलिटीज़ हुई हैं ड्यू टू द फ्लड्स इन फोस्टेड आसाम में 154, वेस्ट बंगाल में 152, बिहार में 253 एंड यूपी में 72, ठीक है. और जो प्रॉपर्टी का नुकसान ऑल ओवर हुआ है सारा, ठीक है, तो वो हुआ है मतलब ओवरऑल देखा जाए तो 20 लाख के अराउंड, ठीक है, सॉरी 20 लाख बोल रही हूँ, 20 लाख जो पीपल हैं वो सफ़र किए हैं, ठीक है. तो इसमें प्रॉपर्टी का जो नुकसान हुआ है दैट इज़ अराउंड 1.5 करोड़, तो वो सिर्फ उसमें वेस्ट बंगाल में ही हुआ है, ठीक है. तो उसके साथ साथ जो एनिमल्स हैं वहाँ पे
ऑब्वियसली आपको मैंने डिजास्टर मैनेजमेंट का जब हमने फर्स्ट टाइम डिस्कस किया था सांप फ्लड्स का, तो उस पर आपके साथ डिस्कशन की थी कि जैसे जो राइनोज वगैरह भी हैं वो भी इसमें काफ़ी उनकी डेथ हुई है, और भी जो एनिमल्स हैं वो भी मर जाते हैं, ठीक है, ऐसे में। और ऐसे में जैसे मान लो फ्लड्स आ गए हैं, बीच में जो है कारकेसेस पड़े हुए हैं जो एनिमल्स हैं मरे हुए उनके, ठीक है, तो उससे क्या होगा, पानी प्लूट होगा, पानी प्लूट होगा तो बीमारी फैलेगी, कोई एपिडेमिक फैल जाएगी, ठीक है, तो उससे और भी ज़्यादा जो होता है वो मतलब और उससे डेंजर जो है वो अराइज हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज द राष्ट्रीय जनता दल डिमांडेड सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर CBI प्रोब इनटू द मल्टी क्रोड सरीजन स्कैम अ डे आफ्टर एन अक्यूज्ड इन द केस डाइड एट द हॉस्पिटल इन भागलपुर। तो ये सरीजन स्कैम बेसिकली क्या है कि सरीजन महिला विकास सहयोग समिति एक NGO है, ठीक है, जिसको माना गया है कि उसने मतलब जो बंदा था महेश मंडल जिसकी डेथ हो गई है, ठीक है, तो वो बेसिकली अकाउंटेंट था इसमें डिस्ट्रिक्ट भागलपुर डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर डिपार्टमेंट में, ठीक है, तो उसने जो था वो मतलब कुछ बैंक्स की हेल्प से और कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की हेल्प से उस NGO को, ठीक है, जो सरीजन महिला विकास सहयोग समिति है, ठीक है, तो उस NGO को मतलब जो पैसों की एम्बेजलमेंट वगैरह की है, और दैट वाज अराउंड 870 करोड़, ठीक है। तो ये लालू प्रसाद यादव ने बोला है कि इसमें थोड़ी होना चाहिए इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर कि कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है, क्योंकि उनका मेन टारगेट है नीतीश कुमार, क्योंकि ये 2007 के अराउंड ये चीज़ें बातें हो रही थी, तो तब नीतीश कुमार की ही कमेंट थी तब भी, ठीक है। तो ये इन्होंने बोला है कि फेयर एंड इम्पार्शियल प्रोब जो है वो होना चाहिए, डिप्टी जो है वहाँ के CM सुशील कुमार मोदी को इन्होंने बोला है, लेकिन जो JD यानी कि जनता दल है और BJP का आपको पता है अलायंस हुआ है अभी, तो उन्होंने बोला है कि मतलब लालू जी की तो एटलीस्ट जो है वो नहीं सुनी जाएगी, क्योंकि पहले वो अपने गिरिवान में जा के देखें, ठीक है। तो नेक्स्ट इज द इस्लामिक स्टेट क्लेम दैट एन इंडियन सुसाइड बॉम्बर हैड किल्ड अ नंबर ऑफ पीपल इन एन अटैक इन सीरिया नॉर्थ वेस्ट रक्का। जो रक्का है दैट इज़ अ डी फैक्टो कैपिटल ऑफ टेरर ग्रुप, ठीक है, जो इस्लामिक स्टेट है वहाँ के सीरिया में इनकी जो है इन मतलब जो ऑफिशियल कैपिटल अपनी ये मानते हैं वो रक्का स्टेट है वहाँ पे, ठीक है। तो इन्होंने क्लेम किया है कि जो टेररिस्ट अबू यूसुफ अल हिंदी है, ठीक है, तो वो इसमें मारा गया। तो इन्होंने इंडिया को बोला कि वो मतलब इंडिया का कोई सुसाइड बॉम्बर था, उसकी वजह से वो मारा गया, और भी लोगों को जो है वो नुकसान हुआ है। तो बेसिकली इंडियन एजेंसीज ने ये डिनाई की है कि ऐसा कुछ नहीं है, हमारा कोई सुसाइडल बॉम्बर नहीं था, बट ये हो सकता है, हमारे लोग मतलब हमारी गवर्नमेंट भी करती है, देखो अगर वो लोग यहाँ पे आके सुसाइड बॉम्ब लगा सकते हैं तो हम क्यों नहीं जा सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो ये हिडन एजेंडाज होते हैं, तो गवर्नमेंट जो है ये ओपनली रिवील नहीं करती है, लेकिन ऐसा होता है एक्चुअल में, ठीक है। तो ये जो अल हिंदी है ये बहुत ज़्यादा मतलब इसको डिक्लेयर भी किया गया था, US ने इसको स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट जो था इसको डेजिग्नेट किया था US ने भी, और ये इसको छोटे छोटे मौला और अंजन भाई कह के भी जाना जाता था, ठीक है। तो ये बेसिकली इंडिया में जो है वो लोगों को रिक्रूट करता था फॉर IS इस्लामिक स्टेट, ठीक है, तो इसलिए इसको जो था इसकी काफ़ी एक तरह का वांटेड था, ठीक है, तो अच्छा हुआ है मर गया ये। तो नेक्स्ट इज इराकी सिक्योरिटी फोर्सेस लॉन्च्ड एन ऑफेंसिव टू टेक बैक द सिटी ऑफ तल अफार। तो अभी जैसे कि आपको पता है मोसूल में जो वहाँ से इवैक्यूएशन की है उसकी IS की, तो अभी जो नेक्स्ट है टारगेट दैट इज़ तल अफार। तो आई थिंक आई हैव रिपीटेड दिस न्यूज़, ठीक है, तो मैंने कल भी ये न्यूज़ जो थी वो इंक्लूड की थी, आज दोबारा गलती से मुझसे हो गई है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, तो ये आप थोड़ा सा देख लो, ठीक है। तो शिया सुन्नी में आपको पता है कन्फ्लिक्ट चल रहा है, इस्लामिक स्टेट सुन्नीज़ हैं, शिया कंट्री है इराक, ठीक है, तो तब से ये चीज़ें चल रही हैं। मोर ओवर US ने बोला है इराक को कि वो हेल्प करे IS को वहाँ से मतलब बिल्कुल ख़त्म करने के लिए, और उसमें कुर्दिश जो लोग हैं वो भी US का हेल्प कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि कुर्दिश को भी US ने जो है वो कमिट किया हुआ है कि अगर आप हेल्प करते हो तो आपकी एक सेपरेट जो है वो स्टेट बन जाएगी, ठीक है। तो अभी तक तो बन नहीं रही है, बेचारों को इधर से उधर यूज़ करते रहते हैं।
नेक्स्ट इज तो ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने और जो बीजेपी प्रेसिडेंट अमित शाह हैं उन्होंने जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स और चीफ मिनिस्टर्स हैं सभी स्टेट्स के जो बीजेपी रूल स्टेट्स हैं उनसे मिलके मतलब बोला है कि जो सेंट्रल स्कीम्स जितनी भी स्टेट्स में लॉन्च हुई हैं उनका क्वार्टरली रिव्यू होगा और ये होगा सुशासन यात्रा के अंडर। ठीक है, तो सुशासन यात्रा बेसिकली क्या होगा, गुड गवर्नेंस मार्च। ठीक है, तो ये आप याद रखना। तो द सुशासन यात्रा विल हाईलाइट द 17 वेलफेयर एंड डेवलपमेंटल स्कीम्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हु सेड अ पार्टी सो डिड नॉट मेंशन व्हेन इट विल बी। नेक्स्ट इज चाइना अर्ज्ड इंडिया टू अबाइड बाय द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पोजीशन ऑफ 1959 फॉलोइंग लास्ट वीक्स कफल बिटवीन टू ट्रूप्स ऑफ टू कंट्रीज। आपको पता है जो पैंगोंग लेक है उसके अराउंड जो भी स्कर्मिश चली है दोनों ट्रूप्स के बीच इंडियन और चाइनीज स्टोन पेल्टिंग वगैरह का काम, तो उसके चलते चाइना ने बोला इंडिया को कि वो जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की जो पोजीशन थी 1959 उसको एक्सेप्ट करे। तब भी जो थे जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने भी एक्सेप्ट नहीं किया था। ठीक है, तो इस बार भी ऑब्वियसली एक्सेप्ट नहीं होगा। एक्चुअली होता क्या है, ये क्लेम क्या करता है चाइना की, जैसे मान लो यहाँ पे मैकमोहन लाइन है ना उसके अराउंड जब बाउंड्री डिमार्केट हुई थी तो वो स्केच पेन से कर दी गई थी। ठीक है, तो अब देखो स्केच पेन बहुत मोटा होता है, मतलब अगर उसको आप लिखते हो, ठीक है, मार्कर टाइप होता है, तो पेन से अगर हम बिल्कुल ब्रीक पेंसिल से या पेन से लाइन मारते हैं तो उसका इतना मतलब वो डायमीटर नहीं होता है। ठीक है, लेकिन जब आप स्केच पेन यूज़ करते हो तो उसका डायमीटर रहता है। ठीक है, तो वो बस उतनी ही स्पेस को लेके जो है वो कहता है कि ये हमारी टेरिटरी है, इधर से भी हमारी है, उधर से भी हमारी है, मिडल से भी हमारी है। ठीक है, तो ये आप एक बार पढ़ लेना, बस यही कुछ ही लिखा हुआ है इसने कि ये इधर से भी हमारी टेरिटरी है, मिडल से भी है, ईस्टर्न से भी है, वेस्टर्न से भी है, मतलब सारा इंडिया ही ले लो आप। नेक्स्ट इज तो ये मेलगन ब्लास्ट जो हुआ था 2008 के अराउंड, तो उसमें ये जो कन्विक्ट हैं हिज एसपी पुरोहित, ठीक है, तो लेफ्टिनेंट कर्नल है और इनका इन्वॉल्वमेंट रहा है उसमें। ठीक है, तो इनको जो है वो बेल अभी ग्रांट की है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। ठीक है, तो कल भी न्यूज़ में आया था इसमें कि ये मतलब राइट टू लिबर्टी है कि आप जो है मतलब आपको बेल जो है वो ग्रांट की जा सकती है किसी भी क्रिमिनल को। तो इसमें बेसिकली तो टिल देन ही विल बी, हाँ, तो जब तक ये वापस नहीं जाते तो तब तक ये ओपन अरेस्ट में होंगे। ओपन अरेस्ट बेसिकली जो है पैरा 349 जो है डिफेंस सर्विसेज रेगुलेशंस उसमें डिफाइन किया गया कि जब कोई भी पर्सोनल सिविल अथॉरिटीज़ उसको अरेस्ट करती हैं जो डिफेंस का पर्सोनल हो, ठीक है, तो जिस दिन से वो अरेस्ट हुआ है, ठीक है, जैसा भी उसने काम किया है, तो उसके चलते जो होता है वो ऑफिसर को सेम रिस्ट्रिक्शंस जो है वो फॉलो करनी पड़ती हैं एज एन ऑफिसर इन दी ओपन अरेस्ट। ठीक है, और इसमें वो यूनिफॉर्म वगैरह भी उसको वो पहन सकता है, नहीं तो वो प्लेन क्लोथ्स भी पहन सकता है, ऐसी कुछ प्रोविजंस रखी गई हैं। तो पहले जो पुरोहित सस्पेंड हुआ था तब इसको 25% सैलरी मिलती थी, फिर इसने आर्म फोर्सेज ट्रिब्यूनल में जो था वो PL डाली तो इसको 75% जो है वो अब सैलरी जो है वो मिल रही है। तो ये इसने जो इसका इसने कांड किया था तो ये यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ठीक है, 6 persons were killed and over 100 were injured in an explosion of Melgan in Maharashtra on September 29, 2008. The Maharashtra Anti-Terrorism Squad, which first investigated the case, charged Lieutenant Colonel Srikant Purohit and Sadhvi Pragya Singh Thakur with the provisions of Maharashtra Control of Organized Crime Act. Next is Supreme Court judgment on the constitutionality of Triple Talaq may also decide the age-old debate whether personal laws can be brought within the ambit of Article 13. ठीक है, तो ये basically माना जा रहा है कि जो personal law है वो आर्टिकल 13 को वॉयलेट करता है। ठीक है, और कोई भी चीज़ कोई भी लॉ ऐसा नहीं होना चाहिए एज़ पर आर कॉन्स्टिट्यूशन की जो फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट करे। ठीक है, तो अगर कल की जजमेंट होती है तो उसमें हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है पर्सनल लॉ बोर्ड को भी ले आए अपने घेरे में। ठीक है, तो जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है उसमें मतलब इस चीज़ का आर्ग्यू किया है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी कोई भी पर्सनल लॉ से रिलेटेड कोई ज्यूरिसडिक्शन नहीं बनती है। ठीक है, बट आपको पता है जो सुप्रीम कोर्ट है वो सुई मोटो कोई भी एक्शन ले सकता है। ठीक है, तो अगर वो चाहे तो इसको अबॉलिश भी कर सकता है। तो इन 1951 बॉम्बे हाई कोर्ट इन स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस नरासु अप्पा मली हेल्ड, ये एक्चुअली ना दो काउंटर इनके फैसले आए हैं सुप्रीम कोर्ट के दो केसेस में। एक था ये बॉम्बे हाई कोर्ट इन स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस नरासु अप्पा मली केस। ठीक है, इसमें पर्सनल लॉ को उन्होंने लॉ नहीं बताया था अंडर आर्टिकल 13। ठीक है, तो जो दूसरा वाला था
और ये अभी तक किसी ने चैलेंज नहीं किया सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है। फिलहाल मतलब आप देख सकते हो क्लियरली मेंशन किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, कि उन्होंने पर्सनल लॉ को मतलब लॉ नहीं माना था आर्टिकल 13 के अंडर, ठीक है, और इसको अभी तक चैलेंज नहीं किया गया। लेकिन अगर हम दूसरे केस की बात करें, दैट इज़ अहमदाबाद वुमेन एक्शन ग्रुप वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, तो उसमें जो है सुप्रीम कोर्ट वॉज आस्क्ड टू कंसिडर द यूनिलेटरल डाइवोर्स बाय तलाक एंड पॉलीगैमी वायलेटेड आर्टिकल 14 एंड 15, ठीक है। तो इसमें उन्होंने बोला है कि जो तलाक या पॉलीगैमी से कुछ भी यूनिलेटरल, यानी कि जैसे मैन है उसके फैसले से ही जो तलाक हो रहा है, वुमेन की उसमें कोई कंसेंसस ही नहीं है, ठीक है, कंसेंट ही नहीं है, तो वो भी बेसिकली जो है आर्टिकल 14 और 15 को वॉयलेट करता है। द कोर्ट रिजेक्टेड द क्लेम सेइंग इट वाज अ लेजिस्लेचर टू डिटरमिन। नेक्स्ट इज द यूनाइटेड स्टेट्स बिगन टू शार्पली स्केल बैक इट्स वीज़ा सर्विसेज इन रशिया, ड्राइंग एन एंग्री रिएक्शन फ्रॉम मॉस्को। तो अभी रिसेंटली आपको पता है जो रशिया ने बोला था कि अमेरिका के डेलीगेट्स जो हैं वो आउस्टेड कर देगा, तो उसके चलते इन्होंने भी अपनी जो वीज़ा सर्विसेज है रशिया के लिए उसमें अमेंडमेंट कर दिए, ठीक है। तो इसमें होगा क्या कि जो बेसिकली बिजनेस ट्रैवलर्स या टूरिस्ट या स्टूडेंट हैं उनको बहुत ज़्यादा इसमें नुकसान पहुँचेगा, वो जो है वो US नहीं जा सकेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इमिग्रेशन वीज़ा, ठीक है। तो ये चीज़ हुई है। नेक्स्ट इज़ फास्ट ड्विनलिंग मैंग्रोव्स इन म्यांमार्स लो लाइंग इरीवडी डेल्टा। इरीवडी डेल्टा अगर आप देखें उस पर नेट पे, तो ये माना जाता है कि राइस बाउल ऑफ इसको बोलते हैं म्यांमार का, ठीक है। तो राइस की कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पे, तो अभी मैंग्रोव जो है वहाँ पे डिग्रेड हो रहे हैं डिफॉरेस्टेशन की वजह से, लोग जो हैं वो मतलब एग्रीकल्चर के लिए जो है लैंड ज़्यादा से ज़्यादा चाहते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो है वहाँ पे मैंग्रोव्स दोबारा से प्रोटेक्ट किए जाएँ, ठीक है, क्योंकि अगर आपको पता हो तो अगर सी लेवल मान लो राइज कर जाता है उधर, ठीक है, तो सी जब आपको पता होगा जब वेव्स आती हैं और वापस जाती हैं, तो सॉल्ट जो है एक तरह से जब ज़मीन वहाँ पे खाली हो, ठीक है, तो सॉल्ट जो है वो बैठ जाता है, तो साल्टी जो सॉइल होती है दैट इज़ नॉट सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर, राइट। तो इसके चलते जो है वो ये और ऊपर से दूसरी ये भी है कि जो मैंग्रोव्स होते हैं बेसिकली वो भी एक कार्बन सिंक का सोर्स होते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको वेटलैंड का बताया था कि वो भी बहुत बढ़िया सोर्स होते हैं इसका कार्बन सिंक के, तो सिमिलर लाइंस पे जो मैंग्रोव्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा सोर्स होते हैं कार्बन सिंक के, ठीक है। तो ये बेसिकली इन्होंने जो 1 मिलियन हेक्टर्स हैं मैंग्रोव्स के सिंस 1980, तो इन्होंने बोला है कि जो उनको रीस्टोर करना पड़ेगा, क्योंकि इससे जो है वो हो सकता है कि जो सॉल्ट वाटर इन्वेजन है वो हो जाए, ठीक है, क्योंकि सी लेवल जो है वो राइज कर रहा है, जैसे कि मैंने अभी आपसे बात की है इसके बारे में, ठीक है। तो जो वर्ल्ड वाइड है इनका इंटरनेशनल फाउंडेशन, इट हैज़ सो फार प्लांटेड सम 3 मिलियन मैंग्रोव ट्रीज़, ठीक है। तो खुद इन्होंने इतने मैंग्रोव ट्रीज़ प्लांट किए, लेकिन फिर भी ये बहुत ही कंबरसम काम हो जाता है, हरकुलियन टास्क हो जाता है, तो इसके चलते जो है ये ड्रोन्स की हेल्प ले रहे हैं। तो अगर आपने देखा हो तो ड्रोन्स जो छोटे छोटे आजकल स्प्रे वगैरह में भी लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो लेबर का काम रिड्यूस करने के लिए, तो ये इसके चलते जो है वो सीड्स जो हैं डिस्पर्स करेंगे ये जो ड्रोन्स है, ठीक है। तो इससे काफ़ी जो है अराउंड 1 लाख ट्रीज पर डे हम प्लांट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट इज ये जो है बीजिंग से शंघाई बुलेट ट्रेन चाइना जो है वो रन करेगा, और ये भी वर्ल्ड की फास्टेस्ट होगी, ठीक है। तो ये 1250 किलोमीटर का डिस्टेंस जो होगा सिर्फ और सिर्फ 4 hours and 30 minutes में जो कवर करेगी। तो ये हमने तब डिस्कस किया था लास्ट मंथ के किसी कोई वहाँ पे जब गेम्स होने वाली हैं वहाँ पे, आई फॉरगेट दैट गेम्स के उसके चलते जो है वो टनल बना रहा है, और टनल के चलते वहाँ से जो डिस्टेंस है उसको रिड्यूस करने के लिए ये ट्रेन जो है वहाँ पे फास्टेस्ट ट्रेन 4 hours 30 minutes वाली जो है वो चलेगी। तो पहले जो है वहाँ पे अभी जो इस ट्रेन की स्पीड माना जाता है कि अराउंड 400 किलोमीटर पर आवर होगी, तो आप सोच सकते हो कि 400 किलोमीटर पर आवर कितनी ज़्यादा स्पीड होती है, ठीक है। तो अभी तक जो वहाँ पे स्पीड थी दैट वाज 350 किलोमीटर पर आवर, तो उसको भी रिड्यूस कर दिया गया था 250-300 जब वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था, तो काफ़ी लोग मतलब अराउंड 40 लोग जो थे वो मर गए थे, ठीक है। तो उसके चलते तो चाइना हैज़ लेड मोर देन 20,000 kilometer of high speed rail with a target of adding another 10,000 kilometer by 2020. China has spent an estimated $360 billion on high speed rail. तो आप देखो हमारे अगर हम अपनी कंट्री की बात करें तो हमारी कंट्री का टोटल जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है दैट इज़ अराउंड $375 billion. तो ये सिर्फ $360 billion उस पर ही स्पेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारी इकॉनमी आप देख लो कि कितना ज़्यादा डेफिसिट है। So that's all from The Hindu for today. Thank you. Please subscribe to Fateh Edu.com if you like my videos. Thank you.
Thank you very much.